हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं मार्केट से ये दो प्लांटर लाई हूँ प्लास्टिक के। इसे एक हैंडल है जिसे हम कहीं भी लटका सकते हैं, खिड़की पर या फिर किसी पाइप पर लटका सकते हैं। ये भी एक हैंगिंग प्लांटर है, तो इसे इसमें मैं ये दो प्लांट्स शिफ्ट करने वाली हूँ। एक है डायंथस और ये एक पोर्चुला का ओलेरसा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें ड्रेनेज होल है या नहीं। इसमें ड्रेनेज होल नहीं थे तो मैंने कील की सहायता से इसे ड्रेनेज तैयार किया है। ड्रेनेज होल होना काफी जरूरी होता है किसी भी प्लांटर के लिए या पॉट के लिए, क्योंकि जब तक ड्रेनेज होल ना हो इसमें पानी इसमें भरता रहेगा और जो हमारे प्लांट्स है वो सड़ सकते हैं, गल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार कर लिया है, जिसके अंदर इस गार्डन सॉइल है 70% और 30% अपना कंपोस्ट है जो मैंने किचन के वेस्ट से तैयार किया था। पॉटिंग मिक्स रेडी है। सबसे पहले जो ड्रेनेज होल है हमें इसे बंद करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम इसमें पानी डालें तो अपनी मिट्टी बह ना जाए पानी के साथ साथ। तो इसके ड्रेनेज को कवर करने के लिए मैं ये नारियल के छिलके ले रही हूँ। आप हैंगिंग बास्केट के लिए कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, कोकोपीट काफी हल्का होता है। मैं इसमें सिर्फ मिट्टी का यूज कर रही हूँ। आप अगर चाहे तो अपने पॉट में कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेनेज होल पूरी तरह बंद हो गया है। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे, हमारा पॉटिंग मिक्स जो हमने तैयार किया है पहले से। हम इसे आधे पॉट तक भरेंगे। आधे तक हमारा पॉट मिट्टी से भर गया है। अब हमें इस प्लांट को निकालना है। तो मैंने अभी 1 घंटे पहले ही पौधों को पानी दे रखा है, ताकि इसकी जड़ें ना टूटें। मिट्टी नरम हो गई है, अब निकालते वक्त इसकी जड़ें टूटेंगी नहीं। तो इसे हम किसी लकड़ी की सहायता से निकाल सकते हैं इस तरह। हमें धीरे धीरे निकालना होगा, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के साथ टूट ना जाएं। देखिए, हम जड़ों से निकाल के लाए हैं। ये इसे मैंने एक ही कटिंग से उगाया था। हमें इसे इस तरह से सेट करना है, जब भी हम इसे लटकाएंगे तो ये ब्रांचेस नीचे आनी चाहिए सामने की तरफ। अब हम इस प्लांट को निकालेंगे।
इसे भी मैंने मिट्टी से निकाल लिया है। इसकी जो मिट्टी लगी हुई है जड़ों को, वो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए प्लांट डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो जल्दी सेट नहीं हो पाते। इसे लिए हम उसकी मदर सॉइल को नहीं निकालेंगे, हम उसे ऐसे ही शिफ्ट करेंगे। ये डार्क पिंक कलर के डायंथस है मेरे पास, और ये अलग पौधा है जिसका कलर वाइट और पिंक शेड है इसका, तो हम इसे भी इसी पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग हो गए हैं, इसमें मैंने थोड़ी ऊपर से मिट्टी डाली है, और मिट्टी जब भी डाले थोड़ा सा हल्का सा हम इसे दबा दें ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो ऊपर ऊपर ना रहे, मिट्टी में दब जाए। सेम उसी तरह मैंने इस प्लांट को भी रिपोर्टिंग कर दिया है, मिट्टी ऊपर से डाल दी है। अब सबसे ज़रूरी बात है पानी, हमें इन्हें पानी डालना है। पानी इतना डाले कि ऊपर से नीचे तक पूरी मिट्टी गीली हो जाए। जब भी हम पौधे ट्रांसप्लांट करें शाम के समय करें, शाम के समय धूप बहुत कम होती है, पौधों को समय मिलता है सेट होने के लिए। ज़रूरी बात यह है कि हम इसे कुछ दिन तक डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो पौधे मुरझा जाएंगे। तो बस इतना ही। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर कभी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।